स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं डॉग फेस। सो ऐसे, फिर यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से प्रेस, यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से प्रेस, तो यहाँ से जो भी एयर बबल है यहाँ से निकल जाएंगे और ये डॉग के फेस जैसा दिखता है। ठीक है, ये टेराकोटा, अभी जो हम लोग इसको टेराकोटा बोलते हैं वो ह्यूमन, ये ह्यूमन का, इट वाज नॉट अ इन्वेंशन, इट वाज अ डिस्कवरी। कैसे हुआ था डिस्कवरी कैसे हुआ था मालूम है? आदि मानव जो थे पहले, जो ऐसे कुछ फायर कहीं पे चलाया तो वहाँ पे मिट्टी के टुकड़े कुछ था, वो हार्ड होने लगे, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ टेराकोटा, पर नो वन न्यू। और जब हरप्पा मोहनजोदड़ो का टाइम आया तो वो तो बहुत बाद में आया। और सारे इन्वेंशंस जो आदमी ने किया है, इट इज़ आउट ऑफ नेसेसिटी, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेसेसिटी जो आज भी चल रहा है। और इसका एक यू नो मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ टेराकोटा इज सेरामिक, जो कप प्लेट घर में आप लोग यूज़ करते हैं वो मिट्टी के कप प्लेट नहीं करते हम लोग, वो ग्लेज होता है उसको सेरामिक कहते हैं। बट दिस इज द ट्रेडिशनल, आई मीन द एंशियंट मोहनजोदड़ो। सो आज में तो आज हम आप लोगों को सब मोहनजोदड़ो के युग में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज देखो कैसे करते हैं। और इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं रखना है, हमें इसको थ्रो करना है, जिसको थ्रोइंग बोलते हैं, तो बीच में जितना हो सके बस। अगर नहीं हुआ तो फिर उठा फिर पड़ेगा। तो उसमें एक सेंटर है, देखो सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट बनी हुई है, इसके नीचे वो व्हील का ये पे एक पॉइंट बना हुआ है। यू कैन सी लॉट ऑफ सर्कल्स हियर, अगर छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, बड़ा होगा तो कितना बड़ा, इतना बड़ा भी चाक बन सकता है। तो नाउ ये बीच में एक छोटा सा है, ये सब मार्किंग्स जो है, दिस मार्किंग्स आर ऑल इम्पोर्टेंट मार्किंग्स। ओके, आगे शी इज गोइंग टू थ्रो इट, और वो भी चलते हुए। अभी हमें थोड़ा प्रेशर देना है, ठीक है? पास से लो, पास से फोटोग्राफ लो। इसको बोलते हैं कोनिंग, इसको ऊपर की तरफ लेके आए हम लोग। नीर निकल, इसका प्रॉब्लम क्या है, आपका हाथ दोनों साइड से सेम प्रेशराइज होना चाहिए। और ये रिंग वगैरह होगा तो हाथ से दूसरे हाथ में, एक साइड में भी प्रेशर ज्यादा होगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा। फिर इसको डिप्रेसिंग करेंगे, ठीक है? फिर ये उंगली से उसको बीच में, कभी कुमार के पास जाओगे तो इतने सारे जो स्टेप्स है वो ऐसे ही कर लेता है। फिर यहाँ से हमें अंदर, देखा एक साइड से मैंने प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिया तो ये खराब हो गया। बन रहा था मटका, अभी बन गया वो सॉसर। इसका अलग अलग शेप बना सकते हैं आप। देखा, और एक साइड से भी मैं ऐसे करूंगी तो ये खराब हो जाएगा। Now see, this will be, you will get minimum 2-3 minutes मिलेगा सबको।
ठीक है, सो यू बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले ये सारे होटल हो क्या आप? इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, एक साइड से टेढ़ा हो गया। आधा लेके वैसे उससे डॉट डॉट बनाएंगे, उसमें रफ सरफेस बनाएंगे, फिर ग्लू लगाएंगे, क्ले का ही ग्लू है ऊपर लगा के, फिर उसको पेस्ट करके ऊपर रखेंगे। छोड़ना चाहिए Thank you.
धीरे धीरे, हाँ जोर से मत पटकना, एकदम धीरे धीरे। वेरी गुड। ज्यादा प्रेस मत करना, ठीक है? आप बाहर से प्रेसिंग करोगे तो अंदर आ जाएगा, और अंदर से उंगली से ऐसे प्रेस करोगे तो थोड़ा बाहर आएगा। डिप्रेसिंग करो, अभी सेंटरिंग कर सकते हैं। हाँ, प्यार से, कोई बात नहीं।
पीछे कर लो कंगन को, फिर सेंटरिंग करो और निकल गए। पानी लो, फिर से पानी लो। ओ ओ ओ हाँ वेरी गुड। ओ शुरू हो गया, क्या हुआ? हाँ बनाया था। सेंटरिंग करो। हाँ हाँ रुक, उंगली को स्टेबल रखो। बीच के तरफ। हाँ गुड। डिजाइन कट कर सकते हैं। इसको इसको कैसे भी करके इस खाना नहीं है मेरा वाला लगा दिया। ऐसे निकालना है इसको, अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। मेरा तो लगा नहीं, ये मेरा नकल फट गया है, फटी हुई से पूरा उंगली फटी गई। देना चाहूँगा कि उन्होंने ये वर्कशॉप करवाया हम बच्चों के लिए, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिला जिसको हम लोग आगे जाके बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। workshop I learned how to do wall painting and how to do pottery.
virtual experience was really nice, and I saw my seniors doing many nice works, and I am also inspired by them.